हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है स्पेशल। आइए डालते हैं एक नजर। किसी को खाना खिलाते समय हम कभी भी तीन रोटियां नहीं परोसते हैं। इसके लिए घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो थाली में दो या चार रोटी ही परोसी जाती है। भारतीय संस्कृति के लोग टोने टोटके में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए थाली में तीन रोटी परोसने को अशुभ मानते हैं। पुराने समय से बहुत सी धारणाएं बनी हुई है और लोग आज भी इन धारणाओं का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में तीन की संख्या को अशुभ माना जाता है, जिस वजह से तीन अंक की चीजों को अच्छा नहीं मानते हैं। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो या कोई शुभ काम हो, तीन के अंक को निषिद्ध माना जाता है। तो जानते हैं उन कारणों को जिस वजह से तीन रोटियां नहीं परोसी जाती है। जब भी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे दिन मृतक को भोजन के रूप में तीन रोटी बनाकर दी जाती है, जिसे सिर्फ रोटी बनाने वाला ही देखता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में तीन रोटियों को मृतक का भोजन माना जाता है, इसलिए थाली में एक साथ तीन रोटी नहीं परोसी जाती है। तीन अंक को हमेशा एक अशुभ अंक माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य में एक साथ तीन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है और तीन लोग एक साथ शामिल नहीं किए जाते। तथा इसके अलावा पूजा की थाली में भी तीन वस्तुओं को एक साथ नहीं रखा जाता है और इसी प्रकार खाना खाते समय भी तीन रोटियां थाली में रखना अशुभ मानते हैं।